हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का एमटे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल वीडियो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज का विषय है ये ओनिडा सीआरटी टीवी है, 14 इंच का। ये स्लिम मॉडल में है। इसमें क्या है, एक्चुअली आवाज़ आ रही है जो कि आप सुन सकते हैं वो आवाज़। इसमें जो है टिक टिक की आवाज़ आ रही है। और चलिए सबसे पहले हम इस टीवी को खोलते हैं और उसके बाद में देखते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है और जो प्रॉब्लम हुआ है वो किस वजह से हुआ है, आज हम उसका भी खुलासा करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में आपको कई तरह के दो तीन प्रॉब्लम का मैं सलूशन किया हूँ, जिसमें जो है आपको जानकारी मिलने वाला है। काफ़ी खूबसूरती से मैंने इसको रिपेयर किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल किट है, कोई लोकल किट नहीं है। LG CRT TV है स्लिम मॉडल का, 14 इंच का। तो सबसे पहले हम इसको जो है ये दिखाएंगे कि जो ये टिक टिक का प्रॉब्लम होता है ये कहाँ से होता है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसमें मैंने जब आउटपुट सप्लाई चेक किया, ESD पे सप्लाई नहीं आ रही है, योग पे सप्लाई नहीं जा रहा है, ब्यू ट्रांजिस्टर पे सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसका तो सबसे पहले रीज़न यही हो सकता है जो इसका 1803 ट्रांजिस्टर जो है ब्यू ट्रांजिस्टर, हमें पहले उसको सप्लाई ऑफ करके एक बार कन्फर्म करके और उसको चेंज करना है। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को मैंने डायरेक्ट पे लगा दिया है और ये ट्रांजिस्टर मेरा शॉर्ट बता रहा है। तो इस ट्रांजिस्टर को मैं पहले ओपन करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ और फिर उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस है मैं देखता हूँ। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें जो फॉल्ट हुआ सबसे पहले तो ये हमारा जो ब्यू ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ, ये हुआ क्यों वो भी मैं बताता हूँ आपको, दिखाऊँगा अभी सबूत के साथ में आपको दिखाऊँगा जो आखिर ये प्रॉब्लम आया क्यों। तो सबसे पहले हम हमारा टीवी को ऑन करते हैं, उसके बाद में हम इस बेस पे जाएंगे कि हमारा ये आखिर प्रॉब्लम हुआ था क्यों हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो है ये 1803 का यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ये हम बदलने वाले हैं। लेकिन बदलने से पहले एक बार हम इसको फिर से कंफर्म करेंगे मल्टीमीटर की सहायता से। मैं एकदम इसमें समझाने का मेरा जो तरीका है एकदम नए कारीगर के लिए बहुत आसान से मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि जो है इतना बारीकी से कोई आपको इंस्टीट्यूट में नहीं समझाया जाएगा या कोई मिस्त्री आपको नहीं बताएगा जितना बारीकी से मैं समझाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मैं इसके जगह पर लगाऊँगा और ख़ास करके मेरा वीडियो जो नए कारीगर होते हैं उनके लिए बहुत कार्यरत होता है, क्योंकि मैं एकदम देसी तरीके से समझाता हूँ किसी भी वीडियो में और ज़्यादा मेरा वीडियो जो है घुमा फिरा के नहीं रहता है, मैं ऑन प्रॉब्लम एंड क्विक सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आप वीडियो देखेंगे पूरा क्लियर तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो क्या पता कहाँ से कौन सा स्टेप आपको छूट जाए, इसलिए स्किप ना करें, वीडियो को कम्प्लीटली देखें और उसमें आपको जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, मैंने ये ट्रांजिस्टर लगा दिया है और एक बार जो हमारा उल्टा सीधा दोनों में मीटर शो कर रहा था ये आप देख सकते हैं,
उल्टा में नहीं उठा, उठा उठ के और डाउन हो गया। इसका मतलब अब हमारा ये वीओ ट्रांजिस्टर ठीक है और यहाँ आउटपुट सप्लाई हमारा ओके हो गया। तो जब आउटपुट सप्लाई आपका ओके हो गया तो एक बार जो है हम इसको सप्लाई दे करके दिखाते हैं कि आप जो ये प्रॉब्लम हुआ था ये क्यों हुआ था। उससे पहले हम स्क्रीन के सामने चलते हैं और ये देखिए मेरा टीवी ऑन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि जब हमने इसमें टीवी भी कॉर्ड लगा करके और फिर दोबारा मैंने चालू किया कैबिनेट में किट को सेट करने के बाद, तो मुझे जो वो फॉल्ट मिला जिस वजह से ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हैं मैं टीवी भी कॉर्ड लगाने जा रहा हूँ और ताकि मुझे वीडियो भी चेक करना पड़ेगा कि आखिर वीडियो कैसा आ रहा है इसका, क्योंकि कस्टमर का ये कहना है कि वीडियो का कलर जो है नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इसी वजह से दोस्तों ये जो एसटी का केबल फायरिंग मार रहा है इसी वजह से इसका व्यू ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ था, शॉर्ट हुआ था। इस सिचुएशन में एसटी भी ख़राब होने का डर रहता है, पिक्चर ट्यूब भी ख़राब होने का डर रहता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है ये सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसके बाद जो है आपको हम इसका पिक्चर का जो प्रॉब्लम है कलर का वो भी हम रिपेयर करके दिखाएंगे। इसमें कलर का प्रॉब्लम भी आ गया था दोस्तों और कस्टमर मुझे पहले बता रखा है कि इसमें जो है पहले से कलर नहीं आ रहा था और बाद में जाकर के जो है ये टीवी बंद हो गया। तो बंद होने का जो रीज़न था दोस्तों यही था कि इसका एसटी वायर जो फायरिंग मार दिया, इस वजह से जो है व्यू ट्रांजिस्टर पर लोड पड़ा और व्यू ट्रांजिस्टर फेल कर गया। तो चलिए मैंने इसको यहाँ से थोड़ा कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद में एसटी कैप को पीछे सरका के और एसटी का कनेक्टर जो है थिम्बल उसको मैं सोल्ड कर देता हूँ और फिर मैं टीवी चालू करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पीछे कर दिया और जहाँ से मेरा फायरिंग है वहाँ पे मैं थोड़ा नाप के देख लेता हूँ कि कहीं मेरा छोटा ना पड़ जाए वायर। वायर अगर छोटा पड़ने वाला रहेगा तो मैं दूसरा सोल्यूशन ढूंढूंगा, लेकिन मुझे वायर छोटा नहीं पड़ रहा है। तो मैं अगर यहाँ से इसको कटिंग कर देता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इससे थोड़ा सा आगे से ले लेता हूँ मैं और ये एसटी कैप के अंदर चला जाएगा, उसमें थोड़ा समय और भी एक जुगाड़ कर दूंगा जिससे कि जो है नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों एसटी कैप को सेट करने से पहले जो है थोड़ा सा रेड एम सील जो है लगा देते हैं, जो कि एसटी के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है स्पार्किंग के लिए। ये स्पार्किंग को रोकने में बहुत कार्यरत होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ। जबकि ये एसटी कैप मैं लगाऊँगा तो इसके अंदर ये सेट होकर बैठ जाएगा और सूखने के बाद में दोबारा ये प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होगा। थोड़ा सा पिक्चर ट्यूब पे भी लगाना पड़ेगा एसटी कैप के जगह पे, तो वो मैंने लगा दिया है और अब एसटी कैप लगाता हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने आपको बताया था कि कलर का प्रॉब्लम है वो यही कलर का प्रॉब्लम है। इसमें हरा कलर ज़्यादा आ रहा है, हरा और ब्लू आ रहा है, रेड कलर नहीं आ रहा है। तो रेड कलर का जो पंगा है उसके लिए हमें इसके बेस किट में देखना पड़ेगा, या तो ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम होगा या तो फिर जो है बेस का प्रॉब्लम होगा या फिर हमारा और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जीनर भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो मैं इसका पहले सप्लाई चेक करता हूँ।
डीसी 250 वोल्ट पे मैंने मीटर को सेट कर दिया है दोस्तों, और उसके बाद में मैं 180 वोल्ट चेक करता हूँ इसका। ये हमारा ठीक है जो ट्रांजिस्टर से आया हुआ है, ये रेड कलर पे हमारा जो है ज़्यादा है, ब्लू और ग्रीन पे हमारा ठीक है सप्लाई, तो रेड कलर का ही पंगा है। और रेड कलर के बेस पिन पे आप देख सकते हैं जो 200 क्रॉस कर रहा है वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, तो इसको मैं पहले यहाँ से देखता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब है या वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम है। तो रेड कलर का जो ट्रांजिस्टर है उसी पे, उसके बेस पिन पे जो है हमारा बता रहा है कि 200 प्लस वोल्टेज आ रही है, जो कि नहीं आना चाहिए, वहाँ पे आना चाहिए कम से ज़्यादा 150 वोल्ट। दोस्तों कोई ट्रांजिस्टर हिट के लिए मैं उस पर उंगली दे करके जो है चेक कर रहा हूँ कि जो हिट हो रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं हिट हो रहा है उसका मतलब है जो वो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है, क्योंकि हल्का हीटिंग होता है जब हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है। यहाँ पे एक जीनर लगा हुआ है, मैं जीनर को चेक कर रहा हूँ रेड कलर के ट्रांजिस्टर के पास। किट के अंदर तो वैसे भी कंफर्म नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी एक बार सर्च के लिए चेक करना ज़रूरी होता है, उसके बाद अगर कंफर्म नहीं होगा तो हम जो है किट से बाहर निकाल करके उस स्पेयर को जो है चेक करते हैं कंफर्म करने के लिए। उससे पहले मुझे एक चीज़ इसमें दिखता है, जो कि हमें दिख रहा है ये 4.7 UF का जो है 250 वोल्ट का एक कैपेसिटर जो है वो फुला हुआ है, तो मैं उसको चेंज करता हूँ, और उसको चेंज करने के बाद मैं देखता हूँ जो मेरा प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ कि नहीं। साथ ही साथ मैं देखता हूँ जो एक दो सोल्डिंग जो है थोड़ा सा लूज कॉन्टैक्ट हो रखा है, तो उसको भी मैं सोल्ड करूँगा। ये आप देख सकते हैं 4.7 UF 250 वोल्ट, इस कैपेसिटर के जगह पे मैं 10 UF 160 वोल्ट लगाऊँगा। 10 UF आप 250 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 4.7 भी लगा सकते हैं, 160 वोल्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ ट्रांजिस्टर का जो पिन वगैरह है उस पर हमें लूज कॉन्टैक्ट दिख रहा है, तो उसको भी मैं साथ ही साथ सोल्ड कर दे रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ कि नहीं। ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसके लिए जो है फिर बेस को चेंज करेंगे, और उसके बाद हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं वो भी हम देखेंगे। दोस्तों जब कोई भी चीज़ चलता रहता है तो उस टाइम जो है प्रॉब्लम एक ही दिखाता है, लेकिन जब उसको आप रिपेयर के लिए बैठते हैं उसके लिए जो है वो फिर प्रॉब्लम उसमें निकलता रहता है एक से एक, तो यही चीज़ होता है। पहले मैं इसका जीनर जो है जो मुझे किट के अंदर शॉर्ट बता रहा था उसको मैं चेक कर रहा हूँ, और एक पिन ओपन कर दिया मैंने, लेकिन ये ठीक है। तो चलिए मैं इस बेस को लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों ठीक हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से जो है दिक्कत आ गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात और है जो कि हमें देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अभी चला थोड़ी देर और उसके बाद जो है तुरंत कलर छोड़ दिया, और जब मैं बेस किट को ये
थोड़ा हाथ से पुश कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, तो ये कभी आता है कभी जाता है। तो इसका मतलब जो सीआरटी बेस के पिन और सीआरटी बेस किट से जो बेस का पिन है, दोनों जो है हमारा कनेक्टिंग सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं इस बेस को चेंज करूँगा और उसके बाद जो है देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं। दोस्तों, स्पेयर चेंज करते वक्त थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर दिया या कट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था वीडियो और स्पेयर चेंज करने के वक्त का भी वीडियो मैं अगर दिखाता तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए सॉरी। दोस्तों, इस वायर को निकालने के लिए इसमें सुई जैसा पिन डालने वाला रहता है, उसमें आप जब पिन डालेंगे और उसको पुश करेंगे उसके बाद ही वो वायर निकलता है। ये देखिए, मैं ये पुराने वाले की जगह पे ये नया वाला लगाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इसमें सीआरटी बेस लगा दिया है और अब जो है एक बार मैं सप्लाई देकर के इसको चेक करता हूँ कि जो मेरा कलर का प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ कि नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से नए नए टॉपिक पर बात करते हैं हम और प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का वीडियो लेकर के आते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, क्योंकि एक टीवी तीन प्रॉब्लम इसमें मैंने दिखाया है आपको। यह आप देख सकते हैं मेरा टीवी फुल ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसमें कलर का प्रॉब्लम था वो हमारा काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, अब कोई इसमें कलर का इशू नहीं है। जो पहले मेरा सीआरटी बेस किट हिलाने पे कलर का प्रॉब्लम होता था वो भी मैं चेक कर ले रहा हूँ, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, कलर इसका जो है कम्प्लीट हो गया। फिर से नए वीडियो के साथ मैं आप सभी दोस्तों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए, इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।